ओम शांति। आपका प्रश्न है पुरुषार्थ का यथार्थ अर्थ क्या है। पुरुष जम अर्थ, ये दो शब्दों को मिलाने से बना है। पुरुष माना आत्मा, अर्थ माने के लिए, आत्मा के लिए। आत्मा के लिए दूसरा इसका अर्थ लिया जाता है पुरुष बन रथ से कर्म कराना। आत्मा समझ रथ से काम कराना, क्योंकि पुरुष जमा अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष जमा रथ तो भी बनता है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थी होता है जो आत्मा समझ रथ से कर्म कराता है। आत्मा समझ रथ से कर्म कराने वाला है पुरुषार्थी। अब सबसे पहला पाठ जो बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। इस शरीर के द्वारा आज तक जो तुम करते थे वो शरीर के लिए करते थे, शरीर के रिश्तेदारों के लिए करते थे। ये शरीर नाशवान, शरीर के रिश्ते भी नाशवान। अब तुम्हें सत्य मालूम हुआ है कि तुम अमर हो। जब ये सत्य मालूम हुआ कि तुम अमर आत्मा हो, तो अब आत्मा के लिए शरीर मात्र एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। ये हर सेकंड स्मृति में रहे, हर एक्शन इसी स्मृति में हो। तब यथार्थ पुरुषार्थ है, और यथार्थ पुरुषार्थ के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। यथार्थ बाप का यथार्थ, क्योंकि दुनिया में बाप ढेर सारे हैं, रियल बाप जिसे हमने अब एडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारा कोई पैदा करने वाला बाप नहीं है। ये रियल याद रहे, हमने विशेष रूप से एडॉप्ट किया है, क्योंकि ही इज द ओनली एंड ओनली केवल और केवल एक परम पिता, परम आत्मा शिव ही है हमारा कल्याणकारी। उनके ही डायरेक्शन पर चलना यथार्थ पुरुषार्थ है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ओके।
यहाँ मुझे एक शब्द और याद आ रहा है, वो भी मैं शेयर कर दूँ। शब्द है स्वात। स्व माना आत्मा, अर्थ माना के लिए, आत्मा के लिए। आज दुनिया में स्वार्थी कहा जाता है, समझा जाता है इस पापी पेट के लिए, क्योंकि वो स्वयं को पापी शरीर समझते हैं। देह के लिए कमाना, देह के लिए धन इकट्ठा करना, देह के लिए सुविधाएं इकट्ठी करना स्वार्थी समझा जाता है, परंतु आत्मा के लिए स्वार्थी बनना द बेस्ट। और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम।